यहाँ पे मैं तलवार लेके खड़ा हो जाता हूँ और ये मेरी सबसे बड़ी गलती है क्योंकि सामने वाले के पास DPS है। सो हेलो गाइज, वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। तो यार आज के वीडियो में आपको देखने को मिलने वाले बहुत ही खतरनाक इंटेंस क्लच, तो यार एंड तक बने रहना। तो यार स्टार्ट करते हैं विदाउट एनी वेस्टिंग अ टाइम। तो यार मैं भी उतरता हूँ जॉर्जो पुल में एंड यहाँ पर थोड़ी बहुत लूट करके मैं आगे की तरफ बढ़ता हूँ। तो यहाँ आगे बहुत ज़्यादा फाइट हो रही होती है तो मैं आगे की तरफ आता हूँ, एक नेट कुक करता हूँ और इस लाल वाले घर के अंदर डालता हूँ। अब यहाँ पे एक एक्सूट वाला नल्ला छत पे होता है, वो मेरे पे मॉली डालता है, मैं थोड़ा पीछे आ जाता हूँ और अब तुम देखना इस एक्सूट वाले को मैं कितना गंदा मारता हूँ। अब उस एक्सूट वाले को मारने के बाद हम पढ़ते हैं नेक्स्ट क्लच पर। नेक्स्ट क्लच भी वहीं पे ही होने वाला है जहाँ पे हमने पहले किया था। अब यहाँ पे लाल वाले घर में तीन बंदे और आ जाते हैं तो मैं यहाँ पे मॉली करता हूँ, एक मॉली से नॉक होती है, सीजन पे मैं रश कर देता हूँ और ये फाइट तुम देखना क्या ही खतरनाक होने वाली है। यहाँ आगे बंदे कुछ आपस में लड़ रहे होते हैं तो यहाँ से मैं कुछ फिनिश निकालने की कोशिश करता हूँ। अब कुछ बंदे को नॉक करने के बाद मैं इनके क्लोज आ जाता हूँ और इसके एक टीममेट के पास DPS भी होती है तो देखो उसको मैं क्या ही गंदा मारता हूँ। अब मैं होता हूँ अपार्टमेंट में, अब मेरे ऊपर दो बंदे लैंड करते हैं, अब ये दोनों नीचे कूद के मेरे पर रश करने की कोशिश करते हैं। अब इन दोनों को मैं DPS से कितना गंदा मारता हूँ तो देखना आप तुम। अब यहाँ अपार्टमेंट में मैं थोड़ा वेट कर रहा होता हूँ, यहाँ पे तीन बंदे आ जाते हैं। अब तीन में से मैं दो को तो नॉक कर देता हूँ, तीसरा बंदे को इनकी टीममेट ही मॉली से नॉक कर देता है तो देखो तुम। अब तुम जरा यहाँ पे किल फिट पड़ो, ये नेपाली नाम की लड़की अपने ही टीममेट को नॉक कर देती है और ये मेरे पे अब रश मार रही होती है। खैर अब बढ़ते हैं अपनी नेक्स्ट क्लच की ओर। यहाँ पे एक डासिया खड़ी होती है, मैं चेक करने आता हूँ वापस कि यहाँ पे बंदे है कि नहीं है। उतने में कूप से दो बंदे आ जाते हैं मेरे पर रश करने।
मैं जब तक इसको पकड़ता है नल्ला डासी लेके भाग जाता है। खैर अपनी नेक्स्ट क्लच की ओर बढ़ते हैं। अब मैं होता हूँ अपार्टमेंट में और मेन अपार्ट्स में होते हैं बंदे। अब देखना यहाँ पे क्या ही क्लच होने वाला है। जहाँ तक मेरे को याद है मैंने एक नेट से नॉक किया था और एक को फार्मर्स से ले गया मैं, और दो बंदे पहले से आपस में लड़के नॉक हो चुके होते। अब यहाँ पे मेरे को दो फ्री के किल और मिल जाते हैं। अब मैं होता हूँ प्रिजन में और यहाँ पे मेन बिल्डिंग में। अब यहाँ पे बंदे ऊपर से नीचे से हर जगह से रश मार रहे होते हैं, तो देखो अब क्या ही गलत सीन होने वाले हैं। इस नल्ले को मैं नूप समझ पे इस पे अंधा रश मार देता हूँ और ये मेरे को ड्रॉप शॉट देकर नॉक कर देता है। खैर बढ़ते हैं अपनी नेक्स्ट क्लच की ओर। मैं होता हूँ मिलिट्री बेस में। अब यहाँ पे बंदे कुछ आपस में लड़ाई कर रहे होते हैं क्योंकि अब एंड जोन होता है, यहाँ पे कुछ ही बंदे बचे होते हैं। अब देख रहे तुम यहाँ पे क्या ही फाइट होने वाली है। अब इस बंदे को नॉक करने के बाद इसका एक आखिरी टीममेट बचता है, बस पर रश मार देता हूँ। तो देखो तुम, अब इस बंदे को मारने के बाद हमारा हो जाता है चिकन डिनर। अब पढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्लच की ओर। अब यहाँ पे हम होते हैं अपार्ट्स में। अब मेरा टीममेट बोल रहा होता है भाई उनके पास भी डीबीएस है। अब देखो तुम क्या होता है। अरे भाई उनके पास भी डीबीएस है। चिकन है क्या? निकल भैया चार पांच बंदे। ग्रेनेड वगैरह है क्या तेरे पास? पूरे ओपी अब ये दोनों बंदे इतना गंदा कैंप करके बैठे होते हैं। मैं सोचता हूँ राइट वाले वॉल पर होंगे, पर यहाँ पे मेरा टीममेट संभाल लेता है। अब बढ़ते हैं हम अपने नेक्स्ट क्लच की ओर। मैं होता हूँ अपार्ट्स में। अब यहाँ पे तीन बंदे मेरे पर रश कर रहे होते हैं। अब देखो इनको कितना भारी पड़ता है मेरे पर रश करना।
अब मैं वहाँ से मेन अपार्ट्स में आ जाता हूँ और ये बंदे मेरे पे फिर से रश कर देते हैं। इस बंदे को तो मैं बहुत ही गंदा ले जाता हूँ। अब थोड़ी देर बाद इसका तीसरा बंदा भी मेरे पर रश कर देता है। अब यहाँ पे वो नल्ला छत से मेरे को ले जाता है। छोड़ो, अब खैर बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्लच की ओर। अब मैं होता हूँ अपार्ट्स के क्लोज वाले रिकॉल टावर के कंपाउंड में। अब यहाँ पे इतने खतरनाक क्लचेस होने वाले हैं ना, देखो तुम, अब क्या ही मजा आएगा। अब इस टीम को मैं क्या ही गंदा मारता हूँ। अब इसके बाद हम बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्लच की ओर। अब ये वाला क्लच बहुत ही ज़्यादा इंटेंस होने वाला है। इन बंदों को जैसे ही पता चलता है मैं सोलो वर्सेस स्क्वाड खेल रहा हूँ, ये बंदे मेरे पे अंधा पुश मार देते हैं। अब यहाँ से मैं दूसरी बिल्डिंग में चले जाता हूँ और इनके एक टीममेट के पास डी बेस भी होती है। और देखो तुम, अब क्या गलत सीन होने वाले हैं। दिला दिया भाई तुमने। यहाँ पे मैं अपना माइक ऑन करने की जगह म्यूट कर देता हूँ गलती से। अब लास्ट में मैं इसका ऑन करता हूँ तो पता नहीं क्या बोलता है, मेरे को समझ में नहीं आता। खैर अब छोड़ो, अब अपने बढ़ते हैं लास्ट वाले क्लच की तरफ। अब इस मैच में मेरे 24 किलो हो चुके होते हैं और बचे होते हैं लास्ट के दो बंदे, और दोनों बंदे इसी 3 स्टोरी में कैंप करके बैठे होते हैं और एक बंदे के पास MP3 होती है। इन दोनों को देखो, मैं तुम्हारा भाई नेट से क्या ही मारता है। अब यहाँ पर 26 किल के साथ होता है हमारा चिकन डिनर। वीडियो कैसी लगी कमेंट करके बताना, लाइक करना, शेयर करना और सब्सक्राइब करना मत भूलना। टेक केयर गाइस।